और ये हमारे चिकन तवा कबाब रेडी है फाइनली, और हमसे रहा नहीं जा रहा है, ऐसे लग रहा है कब हम इसको खाएंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एबीके आमियानी भरत का ही। तो आज हम लोग आए हैं एक रेसिपी वीडियो के साथ बहुत दिनों बाद, और आज की जो रेसिपी है वो स्पेशली भावेश का आइडिया है। नहीं, नॉट एग्जैक्टली गाइस, पूरा आइडिया मेरा नहीं है। हम लोग दोनों मिलके कुछ एक स्पेशल डिश रेडी करने वाले हैं जो कि चिकन से रिलेटेड है, जहां पर मैं एज अ प्राइमरी शेफ एक्ट करूंगा और ये मेरी सपोर्टिंग को शेफ रहूंगी। इसका जो डिश का नाम है वो है चिकन तवा कबाब। हम लोग फर्स्ट टाइम ऐसे कुछ कबाब रेसिपी ट्राई कर रहे हैं, आई होप ये अच्छी बने। आई होप सो। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ आवर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द इंग्रेडिएंट्स। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट लिया है 1 kg चिकन कीमा, एकदम बारीक किया हुआ है ये। इसके बाद में हमें लगने वाली चीजें है, इसमें यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जिंजर गार्लिक चॉप्ड है एकदम, और छोटे छोटे इसको चॉप किया है, और ग्रीन चिली चॉप्ड है। इसके बाद में है ऑनियन, रेड पेपर, येलो पेपर, कोरिएंडर, पुदीना, ये भुना हुआ बेसन है, थोड़ी कसूरी मेथी है 1 tablespoon, और एक एग वाइट लगेगा हमें, तो अंडा रखा है यहाँ पे। इसके साथ साथ मसाले में हमको लगेगा ब्लैक पेपर पाउडर, किचन किंग मसाला थोड़ा हम लोग डाल रहे हैं इसमें, और गरम मसाला जो घर में यूजुअली हमारे पास रहता ही है, एंड स्वाद अनुसार नमक, तो थोड़ा सॉल्ट भी लगेगा हमें। अब रेसिपी जो है वो भावेश एक्सप्लेन करेंगे। तो ऐसे रहे हमारे इंग्रेडिएंट्स, तो फटाफट स्टार्ट करते हैं विद द प्रोसीजर। तो हमने अभी जो गाइस यहाँ पर प्लेट में जो भी सारी चीजें ली है वो बेसिकली हम लोग एक एक डालना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जिंजर गार्लिक से, ये बहुत ही फाइन जिंजर गार्लिक चॉप्ड है, इसको डाल देंगे। साथ में इसमें ऑनियंस डालेंगे, एंड देन ये कुछ हमारे कलरफुल बिल पेपर्स है। अब ये कुछ हमारे धनिया, ये है पुदीना, और तीखेपन के लिए चिलीज ऐड करो गाइस, ये आपके बिल्कुल ही पर्सनल टेस्ट के अनुसार रहेंगे। हम लोग ने यहाँ पर 2 से 3 चिलीज यूज किए हैं गाइस। अभी जो ये हमने जो सारा चीजें डाली, इसको एक साथ हम लोग पूरा इसको मिक्स कर लेंगे। ये बिल्कुल ही जैसे हम चपाती के लिए आटा गूंथते हैं वैसे आपको इसको मिक्स करना है। मैं तो इसमें पर्सनली अपने हाथ यूज़ करना पसंद करूंगा, बिकॉज स्पून और जो स्पैचुलाज आते हैं उससे तो वैसे नहीं ये एकजुट हो पाएगा जैसे हमें चाहिए। तो गाइज आप देख सकते हो हम लोग ने अभी वेजेस अच्छे से मिक्स यहाँ पर मिक्स कर लिया है। अब बस बचे हुए बाकी के इंग्रेडिएंट्स भी ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास है थोड़ी सी कस्तूरी मेथी, अब इसमें ऐड करेंगे ये रोस्टेड बेसन। अब गाइज इसमें जाएगा सॉल्ट एंड कुछ मसाले जो हमने अभी देखे थे, डिस्कस किए थे, बट मसालों के लिए स्पेशली हमें राजू की हेल्प लगेगी। तो अब इसमें स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले हमें डालना है यहाँ पे ब्लैक पेपर पाउडर 1 tablespoon, उसके बाद में गरम मसाला, घर में आपके पास अवेलेबल जो होता है वही वाला आप यूज़ कर सकते हो। थोड़ा और डालते हैं, अगर आप बिग टेबल स्पून ले रहे हो तो एक ले सकते हो। इसके बाद में ये किचन किंग मसाला है, 1 tablespoon ऑफ किचन किंग मसाला मैं ऐड कर रही हूँ। ये मुझे मसाला बहुत अच्छा लगता है, इससे काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है सारी रेसिपीज़ में, और स्वाद अनुसार नमक यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ। बर्निंग के लिए ये एक योक यूज़ करना है, वाइट, ओनली वाइट, इसका येलो पार्ट हमने निकाल दिया है। तो गाइस अभी ऐड करते हैं हम एग योल्क। ये अच्छे से ये पूरा बैटर हमें मिक्स करना पड़ेगा, इसकी बाइंडिंग अच्छी हो जाए। यहाँ पे हमारा मैरिनेशन अब ऑलमोस्ट रेडी हो रहा है, एंड वैसे तो भावेश जब भी कुछ भी बनाता है तो बहुत टेस्टी बनता है, और आज तो स्पेशली कबाब बना रहा है, तो वाओ, आई एम वेरी एक्साइटेड कब बनेगा पता नहीं गाइस, मेरा तो फर्स्ट टाइम ही ये, तो लेट्स सी कैसा होगा। तो भावेश ने काफी अच्छी तरीके से इसको मैरिनेट कर रखा है, और इसकी अभी से ही अच्छी सी फ्रेग्रेंस आ रही है, और अभी आधा घंटा हो गया है। अब हम इसको फ्राई करके लेते हैं, बट उसके पहले हम ये पैन गरम करने रखते हैं। यहाँ पे तक पैन गरम हो रहा है, हम लोग उसमें 1 tablespoon ऑफ घी ऐड कर रहे हैं। हम लोग ये कबाब पूरे घी में ही बना रहे हैं,
और आपने अगर देखा होगा मैरिनेशन में भी हमने घी ही इस्तेमाल किया है। आपको चाहिए तो आप ऑयल या बटर यूज कर सकते हो। जब तक ये गर्म हो रहा है तब तक हम लोग इसके पैटीज बना के ले लेते हैं। इसका एक चीज है, हम लोग इसके पैटीज बना के नहीं रख सकते क्योंकि देख सकते हैं ये मिक्सचर कैसा है, मुझे नहीं लगता हम लोग इसको रख सकते हैं। सो डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे, इसको फ्राइंग पैन में इसको डाल देंगे एक एक करके। ये फर्स्ट कबाब हमने छोड़ दिया है घी में। ऐसे ही हम लोग और कबाब बना के डाल देते हैं। फर्स्ट राउंड ऑफ कबाब जा चुका है पैन में, इसको मैं अभी ढक्कन लगा के थोड़ा रख देती हूँ ताकि वो अंदर से अच्छे से पके लो फ्लेम पे और हमारे कबाब जो है वो मॉइस्ट बन जाए। अगर ये सक्सेसफुल हुआ तो हम लोग और कबाब का रेसिपी लेके आएंगे। चिकन बहुत ही ज्यादा मिंस्ड है तो मुझे नहीं लगता इसे ज्यादा टाइम लगेगा पकने के लिए। 2 से 3 मिनट वन साइड हम लोग उसको पका के फिर साइड पलट देंगे। पर इसका जो टेक्स्चर है हमें थोड़ा सा ज्यादा डार्क ब्राउन करना है ताकि वो कबाब का एकदम कबाब टाइप टेक्सचर आ जाए उसको। सो लेट्स सी। तो अभी ये वन साइड से काफी हद तक पक चुका है, इसको पलटी करके देखते हैं कैसा हुआ है, फिर अदर साइड से भी थोड़ा ढक्कन लगा के हम लोग और पकाएंगे इसे। नहीं, इसे और पकना बाकी है बट हम लोग कोई बात नहीं, पलटी मार के स्टीम में वापस इसको पकने देंगे। अब मैंने इसकी साइड चेंज कर दी है और थोड़ा इसको पकने देते दूसरी साइड से और थोड़ा उसका कलर भी डार्क होने देते हैं, फिर मजा आएगा। वाओ, बहुत यम्मी इसका स्मेल आ रहा है यार, ऐसे लग रहा है कब बनेगा और कब मैं खाऊंगी। इसको दोनों साइड से हमने इसी तरीके से सेक लिया है, बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस आ रही है। और आप समझ सकते हो कि हमने जब इसे डाला था तो इसका कलर क्या था और अभी कैसे पकने के बाद ये कैसे इसका टेक्सचर पूरा चेंज हो चुका है। अब हम इसे निकाल लेते हैं बट ये क्रेडिट भावेश को जाता है, ये रेसिपी एक्चुअली उसका आइडिया है, मैंने बस थोड़े बहुत एडिशंस किए हैं, उसको सपोर्ट किया है। तो अब हम इसको टेस्ट करेंगे। एक्साइटेड एंड थोड़ा नर्वस हूँ, कैसा हुआ रहेगा पता नहीं। तो पहले तो इसको मैं चटनी के साथ नहीं करूँगा, पहले इसे टेस्ट करके देखूंगा। वाओ, बिल्कुल जैसे सोचा था वैसे ही टेस्ट है गाइस, बहुत अमेजिंग है। गाइस आपने अपना इंग्रेडिएंट्स नोट किया रहेगा तो कुछ ज़्यादा ऑयल तो यूज़ नहीं किया हमने, बहुत काफ़ी शैलो फ्राई किया और मोस्टली ये चिकन अंदर से पूरा कुक्ड है। दैट इज़ बिकॉज जो ये जो लीड रखा था हम लोग ने तो उसकी जो स्टीम है स्टीम से पूरा ये कबाब ऑलमोस्ट पूरा पक गया है, बट डिलीशियस। आई वुड सजेस्ट दिस इज़ अ मस्ट ट्राई डिश फॉर यू गाइस। ये हमारे चिकन तवा कबाब रेडी है फाइनली और हमसे रहा नहीं जा रहा है, ऐसे लग रहा है कब हम इसको खाएंगे। आपको कैसी लगी हमारी रेसिपी प्लीज हमें कमेंट में बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना, अपने फूडी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए एबीके आमियानी। बस का ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।